Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are doing great, safe, happy in your homes. Okay, in our previous lessons, we learned about pronoun and kinds of pronoun. Noun and kinds of pronoun. And today we will move towards pronoun. I hope आप लोगों ने noun किया होगा, वो जो homework दिया था वो भी किया होगा और नोट भी बनाए होंगे और समझ भी गए होंगे. खैर से okay, what is pronoun? If I give you an example, like एक जगह है वहाँ पे जो है noun बैठा हुआ है मज़े से, थोड़ा थका भी हुआ है, तो pronoun जाता है, जाके उसको कहता है कि यार अब ज़रा साइड पे आ जाए, बैठ जाए, अब थक गई, मैं ज़रा आपकी जगह काम करता हूँ. तो pronoun वहाँ पे जाता है, noun की जगह ले लेता है, वहाँ बैठ के उसका काम करता है. वही फंक्शन जो noun कर रहा था वही pronoun करता है, उससे उसके काम पे कोई असर नहीं पड़ता. अच्छा, आप लोगों को थोड़ी समझ आ गई होगी कि pronoun का मतलब क्या है. इंटेलिजेंट हो तो pronoun का मतलब ये हुआ कि pronoun noun की जगह यूज़ होता है, noun की जगह ले लेता है. जैसे noun को निकाल के उसकी जगह बैठ के आता है एग्जाम्पल में, कहानी में, तो इसी तरह pronoun का मतलब है इट टेक्स द प्लेस ऑफ noun. लेट्स सी pronoun है क्या. इट्स ए पार्ट्स ऑफ स्पीच विच फंक्शंस एज ए रिप्लेसमेंट फॉर noun, noun phrase आर क्लास. Keep one thing in your mind that pronoun always takes the place of noun. Hamesha noun ki jagah use hota hai, chahe wo noun class ho, chahe wo noun phrase ho, chahe noun itself ho. Look at the example. Ali is a boy. First example mein humne kaha Ali is a boy. Ali ek ladka hai. He is a boy. To Ali ki jagah humne he use kiya. So it means Ali kya hai? अली नाउन है, ही इसकी जगह प्रोनाउन यूज़ हुआ है, लेकिन सेंटेंस में तो ये सच फ़र्क नहीं पड़ा, फंक्शन में सच फ़र्क नहीं पड़ा. हीरा एंड सारा आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, तो हीरा और सारा दोनों प्रॉपर नाउन है, तो हमने यूज़ किया दे, सो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा. वो खेल रहे हैं, हीरा और सारा खेल रहे हैं, लेकिन खेलना ही दोनों कर रहे हैं, तो फंक्शन पर सच फ़र्क नहीं पड़ रहा. सो नाउन प्रोनाउन इज अ वर्ड, इट्स अ पार्ट्स ऑफ स्पीच विच ऑलवेज टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन. सो नाउ वी विल लर्न अबाउट द काइंड्स ऑफ इट. जैसे नाउन के काइंड्स थे, नाउन के बच्चे थे, इस तरह प्रोनाउन का भी अपना ख़ानदान, इसकी भी अपनी फैमिली, इसके भी अपने बच्चे हैं. चलिए इनके बच्चों से मिलते हैं. ओके, इट हैज 11 किड्स. माशाल्लाह. ओके, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन: पर्सनल, डिमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोग्रेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनिट, रिफ्लेक्सिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एम्फेटिक, रेसिप्रोकल, रिलेटिव कंपाउंड प्रोनाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउन. अंकल अपने बाइक पे आ गई तो इसलिए बाइक की थोड़ी आवाज़ आ रही है, सॉरी. ओके जी, तो पोजेसिव प्रोनाउन. सो वट इज़ पर्सनल प्रोनाउन. इसको थोड़ा जूम करते हैं, आपको नज़र नहीं आएगा, आप भी ज़रा जूम करें इसको और भी अपने पीसी में. ओके, पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन अब है क्या. पर्सनल बंदे के अपना, यार मेरी पर्सनल चीज़ों को हाथ मत लगाओ, अक्सर हम कहते हैं ना मेरी पर्सनल चीज़ें हाथ नहीं लगाना, तो पर्सनल प्रोनाउन भी पर्सनल चीज़ें. लुक, पर्सनल प्रोनाउन्स आर सच प्रोनाउन्स रिफर टू ए पार्टिकुलर पर्सन ग्रुप आर थिंग पार्टिकुलर. जैसे हमने प्रॉपर नाउन में कहा था पार्टिकुलर नेम, तो पर्सनल प्रोनाउन में भी पार्टिकुलर ही है, तो पार्टिकुलर ग्रुप या चीज़ या इंसान की तरफ इशारा होता है. आई, मी, माई, अस, वी. सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, इट इज़ दैट प्रोनाउन दैट्स. ओके, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हमारे पास 3 सब कैटेगरीज हैं, वो क्या है, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन एंड पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन. अब सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन क्या है, इट इज़ दैट प्रोनाउन दैट एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हमेशा एज ए सब्जेक्ट एक्ट करता है सेंटेंस के अंदर. आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी. आई वुड लाइक टू गो टू द जू.
यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है. ही लेफ्ट द स्कूल, यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के लेसन में. अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है, वो नहीं सुना है, उसके नोट्स नहीं बनाए हैं, तो गो टू दैट वीडियो जो कि आपके पास है पढ़ा है, वहाँ जाके आपने सब्जेक्ट को पढ़ना है, समझना है. तो यहाँ पे ही और आई एज ए सब्जेक्ट यूज हुए हैं. देन ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, आप लोग अब नाम से अंदाजा लगाए, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट एक्ट करता है, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन में क्या करेगा, शाबाश, एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा. वो कैसे, देखते हैं. मी, यू, हर, हिम, अस सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट, सॉरी, प्रोनाउन है, तो एज एन ऑब्जेक्ट कैसे एक्ट करते हैं वो देखते हैं. शी लुक्ड एट इट हैप्पीली. He appreciated her for a good result. Objective personal pronoun की definition को ज़रा देखें. It is the pronoun that acts as an object of verb, object of compound verb and object of preposition. अब first sentence में आप देखिए personal pronoun, objective pronoun किसके बाद यूज हुआ है, प्रपोजिशन के बाद. अगर आपको प्रपोजिशन का नहीं पता तो वो पार्ट ऑफ स्पीच है, वो भी उसके बारे में हम पढ़ेंगे कमिंग लेसन्स में. ही अप्रिशिएटेड हर वर्ब के बाद यूज हुआ है, हर एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है इस सेंटेंस पे. पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन, दीज प्रोनाउन्स आर इंडिपेंडेंट प्रोनाउन एंड डिमोन्स्ट्रेट ऑनरशिप. पोजेसिव हमेशा ऑनरशिप शो करता है कि चीज़ मेरा ही है, जिसके साथ बिलोंग करता है उसी को शो करता है. His, her, ours, mine, yours, etc. If this pen belongs to you, then it is yours. अगर पेन आपका है आपसे तो ये आपका ही होगा, ले जाए ले जाए, मुझे आपका पेन नहीं चाहिए. होता है ना कभी कभी क्लासेस में ऐसा होता है, ले लो मुझे तुम्हारा पेन नहीं चाहिए. ओके, व्हाट इज माइन इज योर्स. अक्सर हम कहते हैं यार कोई बात नहीं, जो मेरा है वो तेरा है. तो वो आगे बंदा ये सुन के तो पूरा सामान ले जाता है, लेकिन अक्सर हमेशा ये नहीं कहना चाहिए, कभी कभी कहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी महंगा पड़ता है ना. व्हाट इज माइन इज योर्स, जो मेरा है वो तेरा है. द रिंग इज हर्स, ये रिंग किसका है, इसका है. तो पोजेसिव प्रोनाउन क्या यूज करता है, पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन ऑनरशिप यूज करता है. तो हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन और उसके सब कैटेगरीज में सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन एंड पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन. नाउ कम टू द फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस. अब ये क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, दीज प्रोनाउंस रिफर टू द स्पीकर आर ग्रुप. आई, मी, वी, अस, आर, इट, एक्सेट्रा. आई थिंक इसको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी सिंपल. आपने सिर्फ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है, सेकेंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, इनको याद रखना है. सेकेंड पर्सन प्रोनाउन दैट रिफर टू द पर्सन विथ होम वन स्पीक, यू, योर्स. थर्ड पर्सन प्रोनाउन रिफर टू द पीपल थिंक अदर देन द स्पीकर एंड पर्सन एड्रेस्ड, ही, हिम, हिज, हर, शी, वगैरह वगैरह. सो ऑल दीज आर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन. यू हैव टू कीप द प्रोनाउन्स विच आर द फर्स्ट पर्सन, हाउ मेनी आर सेकेंड पर्सन एंड हाउ मेनी वर्ड्स वी हैव इन थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इनको याद रखना है. सो इसको इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. सो लेट्स मूव towards the second kind, which is demonstrative pronoun. These pronouns are used to point out the person or thing. Or any noun we talk about, point out करते हैं जिस noun की हम बात करते हैं. So we have four demonstrative pronoun, which are this, that, these, those. This is a table. Those are tables. These are birds. लुक, दिस इज अ टेबल. हमारे सामने फॉर एग्जाम्पल टेबल पड़ा है तो हम कहते हैं दिस इज दैट, दिस इज अ टेबल, ये एक मेज है. दोस आर टेबल्स, जो हमसे थोड़ा दूर पड़े होते हैं हम उनकी तरफ इशारा करते हैं कि जो दूर रखे हुए हैं. दीस आर टेबल्स, तो दिस और दीस करीब की चीज़ों के लिए यूज होता है, जो चीज़ें हमारे नज़दीक रखी गई होती हैं. दोस एंड दैट, जो हमसे दूर रखी होती हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं. Now the third one is interrogative pronoun. Interrogative pronoun का हमने sentence में भी interrogative पढ़ा था, question sentence. Interrogative means questioning, सवाल करना. Okay, these pronouns used to ask and make question. ये वो pronouns है जब भी आपकी इनसे मुलाकात होगी ये आपसे एक ही क्या करेंगे, सवाल सवाल और सवाल करेंगे. इनके पास आपके लिए जवाब कम सवाल ज़्यादा होंगे. The words are which, whom, what, who.
whose, when, where. So such kind of words are interrogative pronoun. What are you doing? आप क्या कर रहे हैं मिस्टर? What is your book? Sorry, which is your book? Among these books, which one is yours? Who is calling? So such kind of questions. Look, interrogative के अंदर हमने what, which, who जो use किया है हमेशा starting of the sentence आया है. आगे जाके कुछ ऐसे pronouns के अंदर ही आएंगे लेकिन mid में use होंगे. तो आपने वो mind में रखना है कि किस प्रोनाउन के स्टार्ट में यूज़ होते हैं, किसके बीच में, किसके एंड में, किसके साइड पे. ओके, आपने माइंड में रखना है इंट्रोगेटिव के अंदर हमेशा स्टार्टिंग में यूज होते हैं. फोर्थ वी हैव रिलेटिव प्रोनाउन. दीज प्रोनाउन्स यूज टू कंबाइन आर रिलेट सेंटेंसेस क्लास टूगेदर एंड शो द रिलेशनशिप विथ नाउन एंड मॉडिफाई द सेम नाउन. रिलेटिव रिलेशन, रिश्तेदारों की बात हो रही है जो मुझे भी और आपको भी और हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं. तो यहाँ पे भी रिश्तेदारी की बात हो रही है. हु, विच, हूज, हूम, व्हाट. हमने पीछे हूज वाले क्वेश्चन पढ़े थे, मैंने आपको बताया था कैसे यूज़ होते हैं. अब यहाँ पे ये कैसे यूज़ हो रहे हैं एज ए रिलेटिव, एज ए रिलेशन ये कैसे बनाते हैं. दिस इज द कार विच आई बॉट. अगर हम इसका एक हिस्सा देखें, दिस इज द कार, ये एक गाड़ी है या मेरी कार है, तो इट इज़ अ कम्प्लीट सेंटेंस विच कम्प्लीट सेंस विच आई बॉट. अगर हम एड ना भी करें तो हमारे पास कम्प्लीट सेंटेंस है, लेकिन विच आई बॉट हमने एड किया और यहाँ पे इन दो सेंटेंसेस मतलब ये दो सेंटेंसेस नहीं सॉरी सेंटेंस के पार्ट के साथ हमने फ्रेज एड किया, क्लास एड किया, यूज हमने बीच में क्या किया विच. आई हैव अ फ्रेंड. आई बॉट हमारे पास क्या है, आई बॉट हमारे पास फ्रेज है या क्लास है या फिर जो भी वर्ड्स यहाँ पे इसकी जगह यूज हो जाए. पहले हमने क्या किया विच यहाँ पे ऐड करके दोनों को ऐड कर दिया. आई हैव अ फ्रेंड हूज किड्स आर अनोइंग. इसके भी फर्स्ट पार्ट को देखे, यहाँ पे भी आपके पास कंप्लीट सेंटेंस, इसके बाद जो आपके पास फ्रेज आता है या क्लास आता है उसको जो भी यूज़ कर ज्वाइन करने के लिए आपने हूज यूज़ किया है. तो ये आपके पास है रिलेटिव प्रोनाउन. दिस प्रोनाउन यूज टू कंबाइन आर रिलेटिव सेंटेंसेस क्लास टूगेदर. मॉडिफाई द सेम नाउन, तो नाउन को सेम कैसे किया. अनोइंग कहा फ्रेंड के बच्चों को, बॉट कहा गाड़ी को कि मैंने खरीदा था, इट्स अ न्यू वन नॉट द ओल्ड वन. सो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के अंदर सेंटेंस को कंबाइन करता है, सेंटेंस को एक दूसरे से रिलेट करता है. नंबर फाइव वी हैव इंडेफिनेट प्रोनाउन. दिस प्रोनाउन यूज टू टॉक अबाउट ए पर्सन थिंग्स इंडेफिनेटली. Stands for some person or thing, but we don't know for exactly whom. यहाँ पे हमें ये नहीं पता होता, हम जिसके बारे में बात करें exactly उस बंदे का हमें पता नहीं होता कि बंदा कौन है. Whom, none, someone, somebody, anybody, nobody. तो ये हमें नहीं पता कि nobody कौन है, somebody कौन है, someone कौन है, something कौन है. तो इसी तरह की जो प्रोनाउन होते हैं उनको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं. एज ए प्लूरल में मैनी, सेवरल, ऑल, सेवरल, ऑल, सम, फ्यू, ये भी हमारे पास इंडेफिनिट में आ जाते हैं. लुक एट द एग्जांपल नंबर वन. समबडी हैज़ स्टोलन माय आइसक्रीम. गर्मियों का सीज़न है, आइसक्रीम हम ख़रीदते हैं, फ्रिज में रख देते हैं. हमने रखा होता है फ्रिज में, खैर बाद में थोड़ा खा लेंगे, तो लेकिन हमसे पहले कोई आके उड़ा के ले जाता है आइसक्रीम को. अक्सर होता है घरों में ये, तो फिर हम कहते हैं तो किसी पे इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते क्योंकि घरों में तो इल्ज़ाम लगाना तो गुनाह है कबीरा. तो इसी तरह हम कहते हैं somebody has stolen my ice cream. इतना हमारा दिल खफा होता है लेकिन हम कहते हैं somebody और हमें कयामत तक पता नहीं चल जाता कि somebody कौन था. Some may consider my room gloomy because of its color. Again इस सम का भी हमें पता नहीं होता कि हमारे बारे में क्या क्या सोचता है. वैसे हम अपने माइंड में खिचड़ी पका रहे होते हैं, कोई हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचता. ये हम ही अपने बारे में बहुत सारे अजीब अजीब ख्याल रखते हैं कि इसने ये मेरे बारे में ये सोच रहा होगा, वो मेरे बारे में वो सोच रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में हमारे बारे में कोई नहीं सोचता. एवरीवन इज़ बिज़ी, अपनी ज़िंदगी में सब मगन है. ओके, तो हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात कर रहे थे. तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर हमारे पास उस बंदे का पता नहीं होता जो हमारी आइसक्रीम चुरा कर ले गया या फिर जो कोई भी काम करता है, तो एक्जैक्ट बंदे का नाम हमारे पास नहीं होता. नंबर सिक्स वी हैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. दीज आर पर्सनल प्रोनाउन दैट हैव सेल्फ
selves at the end. Here the subject's action affect the subject itself. यहाँ पे subject हमेशा अपने मुँह की खाता है. नहीं, ऐसा नहीं होता. जो action होता है वो subject के ऊपर ही लागू होता है, वो subject के ऊपर ही असरअंदाज होता है. वो कैसे, examples देखें. Ali is a subject over here, finished the homework himself. होमवर्क हिमसेल्फ, अच्छा बच्चा है, इसने होमवर्क खुद किया, मम्मा को तंग नहीं किया. तो यहाँ पे जो हिमसेल्फ है ये अली को ही क्या करता है, अफेक्ट करता है, अली पे ही असरअंदाज होता है. शी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ. तो यहाँ पे हरसेल्फ, शी इज़ अ सब्जेक्ट हियर. तो यहाँ पे ये भी इसी पे असर होता है. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट का जो काम है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही असरअंदाज होता है. वर्ड्स हमारे पास हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, देयरसेल्फ, तो ये सारे वर्ड्स हमारे पास आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में. और हमेशा एंड ऑफ द सेंटेंस आते हैं, एंड ऑफ द सेंटेंस आते हैं. लुक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज नंबर 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. ओके, हियर वी हैव दीज प्रोनाउन्स आर यूज टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन सेपरेटली. इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल. ये सबसे जो फारे बैठे हुए प्रोनाउन है, फारे बैठे हुए मतलब ये हर एक के बारे में अलग अलग बात करते हैं. इसकी शिकायत अलग लगाओ, इसकी शिकायत अलग लगाओ, इसकी शिकायत अलग लगाओ. इनके पास बिल्कुल फारी टाइम है सबको अलग अलग डिस्कस करने का. तो वर्ड हमारे पास क्या होता है, ईच, ईदर, आर, नीदर, आर, नाइदर, नन. सो सच काइंड ऑफ वर्ड्स बिलोंग्स टू, वर्ड बिलोंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. लुक, नीदर ऑफ द चिल्ड्रन स्टडी वेल. जब शिकायत लगानी होती है बच्चों की तो प्रिंसिपल को क्या शिकायत लगाते हैं, मैम नीदर ऑफ दिस चिल्ड्रन आर स्टडी वेल. इनमें से कोई भी बच्चा सही से नहीं पढ़ता, सब क्लास में शोर करते हैं. तो सब की शिकायत लग रही होती है. वर्ड हमने एक ही यूज़ किया, नीदर आर, नाइदर. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन द एनुअल प्रोग्राम. तो एनुअल फंक्शन में सारे स्टूडेंट्स ने, इनमें ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हम बता देते हैं कि इनमें से सबसे सबने पार्टिसिपेट किया था, सबका दिल भर गया था पार्टिसिपेशन से, सबने खूब इंजॉय किया. तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर हम हर एक बच्चे का या हर एक चीज़ का अलग अलग से बता रहे होते हैं. एम्फेटिक प्रोनाउन, ये एम्फेटिक, एम्फेसिस करना, जोर देना किसी एक चीज़ पे. लुक, इट एम्फेसिस द सब्जेक्ट. जोर किस पे है, सब्जेक्ट पे है. These are used to in nominative case, the pronoun used before verb. Nominative case हम discuss करेंगे कि nominative case होता क्या है. फिलहाल आप इतना समझे कि ये emphasis कहाँ पे होता है, subject के ऊपर ही इसका जोर होता है. Yourself, myself, itself, themself. Look, हमने पीछे बात की थी reflexive pronoun में, हमने कहा था self, itself, जो जो भी हैं ये end of the sentence आते हैं. यहाँ पे कहाँ पे हमारे पास है, ए सून आफ्टर सब्जेक्ट, आई माई सेल्फ कैन डू इट. कैन हमारे पास वर्ब है, माई सेल्फ हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन है, आई हमारे पास सब्जेक्ट है. तो आई माई सेल्फ कैन डू इट. तो यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन में वर्ब से पहले सब्जेक्ट के बाद एम्फेटिक प्रोनाउन यूज होता है. ही हिमसेल्फ डन द वर्क. अंडरस्टूड, वेरी गुड. Here we have, okay, the number 9th, we have reciprocal pronoun. These pronouns used when two or more subject act in the same sentence. It talks about joint relationship between or among the subjects. अब एक सेंटेंस के अंदर अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हमारे पास आ रहे हैं, हम एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, तो हम रिसिप्रोकल प्रोनाउन यूज़ करते हैं. वी हैव टू रिसिप्रोकल प्रोनाउंस, ईच अदर एंड वन अनदर. ईच अदर यूज व्हेन टू विथ टू. अगर दो बंदों की या दो चीज़ों की बात हो रही हो तो हम दो ईच अदर यूज़ करेंगे. If there are more than two persons, so we have to use one another. Look at the sentence, the two sisters love each other. The sisters help one another. तो एक से ज़्यादा के लिए हमने one another use किया, two के लिए हमने each other use किया. So reciprocal pronoun, we have each other and one another. Number 10, the second last, we have relative compound pronoun. Compound की बात हमने की थी when we were talking about, we were learning about compound noun. तो मैंने बताया था कि compound किसे कहते हैं, क्या होता है. Go to that video अगर clear नहीं है, वरना ये video बहुत लंबी हो जानी है और आप लोगों ने इसको देखना नहीं है. Okay, these pronouns are compounded with the word ever. ये वर्ड्स जो है एवर इनके एंड में लगा के इनको कंपाउंड बनाया जाता है. फिर इनको रिलेटिव कंपाउंड प्रोनाउन भी कहा जाएगा एवर अगर लगाए तो. जैसे व्हाटएवर, हूएवर, व्हेनएवर, वेयरएवर,
जितने भी हमारे पास वर्ड्स है जिसके एंड में एवर लगा होता है उसको हम रिलेटिव कंपाउंड प्रोनाउन कहते हैं। कंपाउंड वर्ब सिर्फ ये कंपाउंड सिंपली उसको कहते हैं कंपाउंड वर्ड जो टू वर्ड्स से मिलकर एक वर्ड बनता है या थ्री वर्ड्स से मिलकर एक वर्ड बनता है उसको हम कहते हैं कंपाउंड प्रोनाउन या कंपाउंड नाउन। आई डोंट वॉन्ट टू हियर वट एवर एक्सप्लेनेशन यू गिव मी। इस एग्जाम्पल में क्या कहता है कि यार दो बंदे दो दोस्त एक दूसरे से फॉर एग्जाम्पल नाराज हैं तो वो उसको कहता है कि यार जाओ यहाँ से, तुम मुझे जो भी एक्सप्लेनेशन दोगे ना मैंने नहीं सुना, मैं नाराज़ हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू हियर अ सिंगल वर्ड फ्राम यू वट एवर एक्सप्लेनेशन यू गिव मी, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। ओके, वेन एवर आई गेट टाइम आई विल मीट हर। सो वट एवर, वेन एवर, हु एवर, वियर एवर, ये सारे वर्ड्स हमारे पास रिलेटिव कंपाउंड प्रोनाउन हैं। पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव अगेन ऑनरशिप शो करता है कि मेरा तेरा जिसका है उसी का। दीज प्रोनाउन्स यूज टू एक्सप्रेस ऑनरशिप, माइन, हिज, देयर, अर्स, योर्स एक्सेट्रा। तो दिस बुक इज माइन, द हाउस इज अर्स, द पेन इज योर्स। तो ये बिलोंगिंग जाहिर करता है, जितने भी माइन, अर्स, योर्स जो कि ऑनरशिप जाहिर करे कि ये चीज़ इसका, इसकी माल, ये इसकी मलकियत है, ये इसकी इसका है, तो उसको हम पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर यूज़ करते हैं। ओके लास्ट, ओके एट द एंड अगर आप लोग देखें हर काइंड के अंदर, प्रोनाउन के अंदर आई हैड गिवन यू लाइक नॉट मोर देन टू और थ्री एग्जांपल्स। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक एग्जांपल्स बाय योरसेल्फ, यू हैव टू रीड इट टू टाइम, थ्री टाइम, मोर देन 100 टाइम। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बार बार लिखिए, बार बार पढ़े, खुद से सेंटेंसेस बनाए, उसको समझे कि चलो इसके अंदर ये कौन सा प्रोनाउन है, ये कौन सा, ये कौन सा है। लुक एट द होमवर्क जो मैंने दिया है, फाइंड आउट what टाइप ऑफ प्रोनाउन आर गिवन बिलो। आपने सबसे पहले 11 प्रोनाउन के काइंड हमने पढ़े, उनको अलग अलग कॉलम में लिखना है। कॉलम में लिखने के बाद फिर वन अनदर किस में आता है उसमें लिखे, फिर देम, फिर हरसेल्फ, और इसी तरह ये सारे वर्ड्स अलग अलग करके लिखे एंड मेक सेंटेंसेस फ्राम ईच वर्ड। अगर आप लोगों ने ये किया तो मेरी जो मेरी मेहनत भी ज़ाया नहीं होगी, आपकी मेहनत भी ज़ाया नहीं होगी, आप भी कुछ सीखेंगे। लेकिन जब तक खुद नहीं करेंगे नहीं सीखोगे, जब तक सुनोगे नहीं सीखोगे, जब तक पढ़ोगे नहीं सीखोगे, जब तक खुद लिखोगे तभी सीखोगे। एंड आई मीन इट, आप लोग कर सकते हो, पढ़ना है। दूसरी बात, ये जो स्लाइड्स आपको नज़र आ रही है जो मैंने दिया हुआ है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी, आप लोग वहाँ से आराम से ये लोग अपने लिए लिख सकते हैं, अपने लिए इसका मतलब इसको और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बना के नोट्स बना सकते हैं, एक्स्ट्रा एग्जांपल्स इसके साथ ऐड कर सकते हो। और आई होप आप लोगों को आज की ये क्लास जो है बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आप लोगों ने, आप लोग खूब इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट एन एडजेक्टिव इंशाल्लाह, वी विल लर्न अबाउट एडजेक्टिव एंड द काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स इन कमिंग क्लास। सो टिल देन बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।